चलो तो मैं कहाँ पर था, कैश पेड रुपीज 500 फॉर कैरेज, कैरेज के लिए आपने 500 रुपीज पेड कर दिए, तो इसका मतलब कैश कैश अकाउंट में आता है, रियल कैश गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और 500 कैरेज अकाउंट नॉमिनल। ओके, पे का मतलब एक्सपेंस होता है, तो कैरेज इज एक्सपेंस, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट होगा 500। चलो, और किसी बच्चे का कोई क्वेरी डाउट हो तो बताइए, क्वेश्चन 4 के अंदर, क्वेश्चन 4 में कोई डाउट है बच्चों? नो सर, क्वेश्चन कौन सा बेटा, बोल। नहीं है सर, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन 5 स्टार्ट करता हूँ भाई, पेज नंबर 50 पर, क्योंकि जितना ये पक्का हुआ उतना नेक्स्ट लेसन जनरल एंट्री आपको अच्छे से आएगा, जितना इसमें दिक्कत होगा उतना उसमें आपको दिक्कत आएगा, मतलब आएगा। क्वेश्चन 5 का जो क्वेश्चन 1 है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 का जो 1 है वहां से कर रहे हैं हम स्टार्ट। हाँ चलो, कौन रीड करेगा, टर्न बाय टर्न आप बात करते हैं। श्री पटेल आज नहीं आया लगता है, नहीं आया है ना श्री पटेल, आज एक भी बार नहीं बोला। चलो सागर से स्टार्ट करते हैं, सागर बता, चल पहला ट्रांजेक्शन रीड कर। सागर ₹75,000 ब्रॉड, इन कैश एंड बिजनेस। सागर, कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट है बेटा? कैश ट्रांजेक्शन बनाएंगे, सागर कौन से दो अकाउंट आएंगे? एस अकाउंट और क्या अकाउंट? कैश अकाउंट है दूसरा, कैपिटल अकाउंट। अकाउंट, वेरी गुड। सागर कैश अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल, चलो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? कैश कौन सी ना गोज आउट, सर क्या हुआ कैश?
कमीशन तो क्या होगा डेबिट 35,000। चलो कैपिटल अकाउंट के बारे में कौन बताएगा मुझे? श्री पटेल। श्री पटेल को बता कैपिटल अकाउंट में कितना मिला। श्री पटेल कैपिटल अकाउंट पर्सनल कितना मिला? सर पर्सनल। ओके पर्सनल यस। चलो अब श्रेय तू बिजनेस का ओनर है, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तू 75,000 बिजनेस में लेके आया, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? बिजनेस के लिए श्रेय पटेल रिसीवर हुआ कि गिवर है? गिवर। ऑनर इज गिवर। श्री पटेल पर्सनल का रूल्स बोल दे पर्सनल अकाउंट का। डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके अब यहां पर गिवर है तो क्या होगा ऑनर, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। यस दिमाग लगा लेगा नहीं श्रेय सर, आपने ऊपर डेबिट कर दिया तो दूसरा क्रेडिट ही होना है। चलो दूसरा ट्रांजेक्शन कौन पढ़ेगा? कौन है? अभी शोलंकी। चलो अभी पढ़ बेटा सेकंड ट्रांजेक्शन। इनकर्ड पूजा एक्सपेंस ऑफ 2,000 पूजा एक्सपेंस ऑफ रुपीस 2,000। चलो ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट है? सर कैश। कैश कैश ट्रांजेक्शन आएगा पता है? एक कैश अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? सर इनकर्ड अकाउंट। नहीं अच्छा इनकर्ड बोला बच्चे तो क्या बोलते बताएं? सर पूजा अकाउंट बताएं। अब ये कौन सी पूजा चल रही है? वो पूजा बत्रा पूजा बेदी वो वाली पूजा की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, जो हम पंडित सिद्ध करवाते हैं ना ओम जय जगदीश हरे, ये वो वाली पूजा की बात चल रही है। पंडित जी को बुला के पूजा करवाई, अबीर गुलाल फुलहार वगैरह सब लाए, सब वो पूजा करवाई तो उसका जो खर्चा हुआ वो 2,000 हुआ। अब बिजनेस है तो इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है? जैसे कि सर आपके दुकान पे आए, शॉप पर आए, आपने सर को चाय नाश्ता करवाया तो क्या लिखोगे? टी एक्सपेंसेस। आपका दोस्त आया, आपने उसको जय भवानी के वड़ा पाव खिलाया तो क्या लिखोगे? सर नॉमिनल वाला अकाउंट है। नहीं वो तो टाइप ऑफ अकाउंट नॉमिनल होगा, यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट की बात चल रही है। सर एक्सपेंस अकाउंट। कौन सा? एक्सपेंस। एक्सपेंस एक्सपेंस का नाम होता है, जैसे देखो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट, तो वो सारे एक्सपेंस होते हैं, उसके आगे कुछ उसका नाम होता है, वो नाम की मैं बात कर रहा हूँ। दो चीजें इसमें लिखते हैं, देखो ध्यान से सुनो, एक सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस। सन्ड्री और दूसरा वर्ड है शॉर्ट में लिख रहा हूं MISC अकाउंट यानी कि मिसलेनियस अकाउंट, दोनों से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट या मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। सर कब कब इन दोनों का यूज करना है, कब कब इन दोनों को लिखना है? आपने किसी को चाय नाश्ता करवाया, वड़ा पाव खिलाया, दाबेली खिलाया, कर्णावती की दाबेली खिलाई, पिज्जा मैकडॉनल्ड सब कुछ, वो सारा चीजें होती है वो सन्ड्री और मिसलेनियस में आता है। बिजनेस कर रहे हो, कभी कोई कस्टमर आया उसको चाय पानी ठंडा नाश्ता करवाना पड़ता है, बिजनेस का एक अधिक रसम होता है, कभी बिजनेस में पूजा करवाई, तो सारे जो खर्चे होते हैं ना छोटे मोटे खर्चे, वो सन्ड्री एक्सपेंस में या मिसलेनियस एक्सपेंस में जाते हैं।
संडे या मिसलेनियस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे, परचूरण खर्चे, इसका उसका मतलब होता है। तो याद रहेगा ऐसे कोई खर्चे होते हैं ना, टी एन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, कॉफी एक्सपेंस, रज्जा भवानी की दाबेली, वड़ा पाव, पिज्जा, पानी पूरी, हॉट डॉग, जो भी आप मंचूरियन जो भी खाना चाहो, तो मतलब अपना किसी कस्टमर को खिलाया, किसी दोस्त को दुकान पर, तो वो सारी चीजें आती है संड्री या मिसेलेनियस में। ओके चलो कैश अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल, सर रियल अकाउंट रियल। अब पूजा का खर्चा किया तो क्या होगा, कैश कम्स इन की गोज आउट, गोज आउट। डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। और टू द ऑर्डर, हाँ अब किसका टर्न आया, चलो चलो बताओ बताओ, हेमिन का टर्न चल रहा है, हेमिन हेमिन संडी एक्सपेंस पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल नॉम एक्स संडी एक्सपेंस, ये क्या लिखा संडी और एक्सपेंस अकाउंट, संडी लिखा लिख देता संडी और मिसेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल डेबिट। सो हाँ तो इसे क्या कहोगे, इट इज बिजनेस एक्सपेंस, आई मीन बोलो बिजनेस एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, बिल्कुल सही। चलो हेमिन के बाद किसका टर्न आ रहा है, हेमिन के बाद आ रहा है अपने चंद्रेश का, चंद्रेश को बोल दिया नहीं उसने, तो जॉर्डन भी बोल दिया, कृष्णा बाकी, चलो कृष्णा तुम पढ़ बेटा, कृष्णा। सर मेरे पास बुक नहीं है, बुक नहीं है, ठीक है चलो तो मैं पढ़ लेता हूँ, और तो क्या कहूँ, ब्रॉड फर्नीचर रुपीज 10,000, ब्रॉड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है कृष्णा, ब्रॉड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000, इसका मतलब कृष्णा ये तुम्हारा शॉप है, तुम अपने घर से 10,000 का फर्नीचर यहाँ शॉप में दुकान में लाए, ठीक है। ट्रांजेक्शन कौन सा पता है, कैश क्रेडिट और अदर, कैश कैश चेक बैंक रिसीव पेड ऐसा तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलूं तो उससे पहले बोलूं क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रूल से नेम ऑफ पर्सन चेंज, ऐसा नहीं है, तो सर कौन सा हुआ, थर्ड वाला, अदर पेशियल ट्रांजेक्शन। ओके अब अदर पेशियल ट्रांजेक्शन में जो आता है तो इसमें कौन से दो अकाउंट आएंगे बताए, एक फर्नीचर अकाउंट आएगा, दूसरा अकाउंट कौन बताएगा जिसको आता है, कृष्णा आता है, दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बता, नहीं सर नहीं पता, और किसी को आता है तो रेज योर हैंड, एक फर्नीचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट यस मकवाना देव बोल बता तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, सर कैश अकाउंट आएगा, नहीं कैश ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो कैश ट्रांजेक्शन है तो ही कैश अकाउंट आएगा, और कैश ट्रांजेक्शन की कंडीशन क्या है, कैश चेक बैंक रिसीव पेड बैंक डिपॉजिटेड एनईएफटी आरटीजीएस ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है, हाउ कैन यू से इट इज कैश ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट के लिए नेम ऑफ पर्सन चाहिए, सर वो भी नहीं है, अब बताओ तो दूसरा नेम ऑफ अकाउंट कौन सा आएगा, सर ड्रॉइंग अकाउंट कैपिटल, हाथ ऊपर कीजिए बताइए तो मुझे पता चले, कौन है शाह मुक्शी बताया बेटा कौन सा, कैपिटल, अरे वाह वेरी गुड, बहुत कम बच्चे को ही आता है कैपिटल अकाउंट, अब दूसरे बच्चों को समझा दो कैपिटल कैसे आया इनको, मुक्शील तुक्का मार दिया, चलो कैपिटल अकाउंट कैसे आपको बताएं, कैश गुड्स असेट्स एनीथिंग ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, कुछ याद आया,
डेफिनेशन कैश गुड्स असेट फर्नीचर असेट्स है कैश गुड्स असेट एनीथिंग ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल लिखा ना ब्रॉट फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर लाए पर्सनल अगर उन्होंने नहीं लिखा है आपकी बुक में एक वर्ड यार ऐड कर लो ब्रॉड पर्सनल फर्नीचर कौन सा पर्सनल फर्नीचर यहाँ पर है इसे एरो मार के आप ऐड कर लो पर्सनल फर्नीचर गुजराती मीडियम की बुक में पर्सनल लिखा हुआ है अंगत मतलब गुजराती मीडियम में पर्सनल वर्ड्स लिखा हुआ है गुजराती में उसको अंगत बोलते हैं अंगत फर्नीचर लाया इंग्लिश में आपने रह गया प्रिंटिंग पर्सनल फर्नीचर ठीक है तो पर्सनल फर्नीचर कौन लाता है ओनर तो कैपिटल ओके फर्नीचर बोलो कौन सा टाइप होगा इसका टर्न था किसका कृष्णा फर्नीचर पर्सनल रियल नॉमिनल सर रियल ओके रियल कृष्णा बिजनेस में तू फर्नीचर लाया तो फर्नीचर कम्स इन हुआ कि गोज आउट कम्स इन ओके अकाउंट के रूल्स के हिसाब से फर्नीचर कम्स इन होता है तो क्या होगा डेबिट या क्रेडिट डेबिट बिल्कुल सही बोला कृष्णा अरे वाह वेरी गुड बच्चों को आता है गुड अब कृष्णा के बाद कौन बोलेगा कृष्णा के बाद किसका टर्न है मकवाना देव चलो मकवाना देव बता कैपिटल अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल पर्सनल वाह वेरी गुड पर्सनल अब ये लाया कौन ओनर ओनर बिजनेस पे फर्नीचर लाया यहाँ पर लाया तो ओनर रिसीवर हुआ कि बिजनेस को गिवर हुआ सर गिवर हुआ वाह वेरी गुड ओनर इज गिवर तो गिवर क्या होगा बेटा क्रेडिट अरे वाह वेरी गुड ये मेरा देव बहुत अच्छा बच्चा है कभी आंसर सब सही देता है कभी गलत नहीं देता है चलो मकवाना देव के बाद में कौन है मीरा फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ो बेटा चलो डिपॉजिटेड रुपीज 30,000 टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिटेड 30,000 इन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मीरा ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट दूसरा एसबीआई अकाउंट वेरी गुड ओके मीरा कैश अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल रियल चलो आपने मीरा 30,000 बैंक है आप बैंक में गए 30,000 कैश गोज आउट कैश क्रेडिट क्या होगा क्रेडिट 30,000 ओके नाउ अब मीरा के बाद में कौन है मीरा के बाद में मोनिका चलो मोनिका बताओ बेटा मोनिका एसबीआई अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल पर्सनल बिल्कुल सही बेटा पर्सनल अब पर्सनल का रूल्स क्या कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर आपने ये 30,000 एसबीआई में डिपॉजिट की एसबीआई ये लो एसबीआई 30,000 एसबीआई रिसीवर हुई थी गिवर बोलो बेटा रिसीवर हुई यस रिसीवर हुई बेटा रिसीवर क्या होता बेटा डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट डेबिट बच्चा बेटा इस तरह से तो ओके बच्चों अब यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ आज का लेक्चर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था बाकी के आपको बाकी के मतलब पूरा होमवर्क में आपको तो लिखना बाकी है काम आपने अभी लिखा है तो क्वेश्चन फाइव और तो आपको बताना ही है और क्वेश्चन फाइव भी होमवर्क में है हमारा क्वेश्चन फाइव नहीं आया तो टेंशन मत लो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप में पूछोगे तो भी मैं टाइम मिलते आपको सिखा दूंगा या आपने नेक्स्ट टुमारो जो लेक्चर है उसमें भी अगर आपको नहीं आता है
सिखा दूंगा, ठीक है? तो कल के लिए बाय, टाटा, जय श्री कृष्ण, बाय सर, जय श्री कृष्ण साहेब, बाय सर, बाय सर, जय स्वामीनाथ, बाय सर। चलो, होस्ट कौन है? मैं।